दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम पोस्ट ऑफिस रिजल्ट के बारे में। GDS के फोर्थ मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है। फोर्थ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी करी गई है वो 12,823 वैकेंसी के पदों पर जारी करी गई है। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, वो जो मेरिट लिस्ट आया था वो दूसरी वैकेंसी का था। बट ये जो है 12,000 जो है आपकी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ सर रिजल्ट की वेबसाइट पे, इसका ये चौथी मेरिट लिस्ट आई है जिसमें 12,828 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, आपका ये फॉर्म जो भरे गए थे मई में भरे गए थे, जून में लास्ट डेट रखी गई थी। थर्ड मेरिट लिस्ट इसकी 19/8/2023 मई थी, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका जो आपकी जो दूसरी मेरिट लिस्ट आई है वो दूसरे की, मतलब दूसरे का फॉर्म, दूसरा वाला फॉर्म है, ये वाला दूसरा है। तो अभी मैं सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर जाता हूँ। ये आपका ये 12,828 वैकेंसी है। अभी मैं दूसरे वाली वेबसाइट पर जाता हूँ सरकार रिजल्ट पर, इस पर आप देखते हैं जो मेरिट लिस्ट आई थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट GDS जुलाई 2023 मेरिट लिस्ट रिजल्ट। अभी मैं इसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ, जो आपकी मैंने वीडियो बना के डाली थी कुछ टाइम पहले। तो देख सकते हैं मेरिट लिस्ट जो इनकी जारी हुई थी 6/9/2023 में हुई थी, और इसमें जो पद निकाले गए थे 30,041 पद निकाले गए थे। ये 30,000 पद वाली जो अभी आपकी फर्स्ट वाली आई थी वो 30,000 पद वाली थी, बट ये चौथी मेरिट जो लिस्ट जारी करी है वो आपकी जो जारी करी गई है वो 12,828 पद में जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी मई में, उसकी ये चौथी मेरिट लिस्ट जारी करी है। तो आपको बताने गए हम इस वीडियो के बारे में, इसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें, कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आपका थर्ड मेरिट में लिस्ट नहीं आया था नाम, तो आप चौथी मेरिट में लिस्ट अपना नाम चेक कर सकते हैं, कुछ पता आपका नाम जो है आ चुका हो उसमें PDF में। तो दोस्तों अभी वो आपको बताएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो। उससे क्या होता है, मोटिव बढ़ता है, अच्छा लगता है, अपना भाई समझ के जितना हो सके शेयर कर दीजिए करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं। चलते हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों आपको GDS वाली वेबसाइट पर आना, इसका जो लिंक डाल दूंगा, इसका नाम है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे। जैसे ही आप इस पर आ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे GDS स्पेशल मई, ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको मई में, क्योंकि इसका जो फॉर्म निकाले गए थे वो आपके देख सकते हैं यहाँ पे आपके मई में ही निकाले गए थे। और तो ये मई के हिसाब, मई का यहाँ पे नाम रखा गया है, और जो ये वाले रखे गए थे ये दो GDS 2023 में रखे गए थे सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, जिस भी राज्य से आप आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आपको सप्लाईमेंट लिस्ट चौथे मेरिट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जिलों पे आपको, असम, सहज, बिहार, छत्तीसगढ़, जो गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आपका यहाँ पे सारे जितने भी आप राज्य आते हैं तो सारे आप राज्य देख सकते हैं। और देखने बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथी मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। जैसे आपको सपोज करो, जैसे मुझे बिहार का देखना है तो बिहार, यूपी का देखना है, यूपी पे क्लिक करेगा, यहाँ पे चौथी मेरिट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पे गई आपकी चौथी मेरिट लिस्ट, आपको एक बार मैं PDF में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी, यहाँ पे अभी यहाँ पे देख सकते हैं 100, 99, 98, 97 अभी, ये भी आपकी 95 से एक भी यहाँ पे कम नहीं दे रखा है, सभी 99, 98, 97 इसी तरह से आपके सारे मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल आपकी ये जो है मेरिट लिस्ट गई है मई की। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जो है, बाकी आपको और दूसरे के राज्य की चेक करनी है इस पर फिर से आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आपको बिहार का चेक करना है, बिहार पे जाएगा चौथी मेरिट लिस्ट, इस चौथे ऑप्शन पर आएगा आप, और इस वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपका ये जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, और इसमें आप नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करना बहुत ही आसान है, आपको मैं बता देता हूँ नाम कैसे आपको चेक करना है, वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे मैं ये 50 पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उठा लेता हूँ, और मैं इसे कट देता हूँ कट, और मैं इसे कर देता हूँ दोबारा डाउनलोड, बिहार वाला है ना,
तो बिहार वाला मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ। मैंने 50वें पैसे उठाया था ना। अगर आप पीसी कंप्यूटर से यहाँ पे इस फॉर्म को इसे देख रहे हैं तो आपको कंट्रोल ऐप करना है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल ऐप कर देता हूँ मैं। कंट्रोल ऐप करने बाद कंट्रोल भी कर देता हूँ, उसके बाद एंटर मार देता हूँ। एंटर मारने बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से मेरा नाम जो है यहाँ पे दिखा दिया जाएगा और यहाँ पे एक एक आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका इस पीडीएम में नाम है तो आपको इस तरह से सबसे पहले आपको एक एक का ध्यान देना है। अगर आपका एक एक आ रहा है यहाँ पे तो समझ लीजिए आपका इस पीडीएम में नाम जरूर है, 100% 100% है। ओको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एक एक दिखा दिया जाएगा। वो यहाँ पे इस तरह से सबसे आसान है। तो यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है आपका। तो इस तरह से बड़ी आसानी से दोस्तों आप 12,828 वैकेंसी के पदों पर जो आपकी 4th मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है वो आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने आपको बता दिया है चेक करना कैसे आसान है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने भाई के चैनल को जो है सपोर्ट दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो। बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेल आइकन दबा दो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।